दोस्तों, आप सभी स्टार प्लस पर प्रसारित हो रहे सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है तो जरूर देख रहे होंगे, जिसमें दिखाई जाने वाली कहानी और नजर आ रहे कलाकारों के किरदार काफी जबरदस्त हैं। तो उन्हीं कलाकारों में से एक कलाकार है अभिनेता मोहसिन खान, जो इस सीरियल में कार्तिक का किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं और लाखों करोड़ों दर्शकों का खूब मनोरंजन भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि एक अभिनेता होने के साथ दर्शक भी हैं, जो टीवी पर प्रसारित होने वाले धार्मिक सीरियल को देख ना पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कौन से हैं वो धार्मिक सीरियल जिसे अभिनेता मोहसिन खान देखना पसंद करते हैं? तो इसलिए आज आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले अपने फेवरेट अभिनेता मोहसिन खान के लिए आप हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नंबर एक, सूर्य पुत्र करण। इस लिस्ट की पहली कड़ी में जो सीरियल का नाम शुमार है वो सीरियल है सूर्य पुत्र करण, जिसे मोहसिन खान को देखना काफी पसंद है, क्योंकि इन्हें करण का आत्मसम्मान और धर्म के लिए लड़ना काफी ज्यादा पसंद आया था और इसी वजह से ये सीरियल सूर्य पुत्र करण को देखना पसंद करते हैं। नंबर दो, रामायण। इस लिस्ट में रामायण सीरियल का नाम भी शुमार है, जिसे अभिनेता मोहसिन खान भी देखना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि रामायण को जीवन का आधार बताते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में किन लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये हमेशा हमें रामायण देखकर सीखने को मिलता है। नंबर तीन, संतोषी माँ। टीवी का मोस्ट पॉपुलर सीरियल संतोषी माँ तो आप सभी लोग जरूर देख रहे होंगे, जिसकी कहानी भक्त और भगवान के ऊपर आधारित होती है, जिसके चलते अभिनेता मोहसिन खान इस सीरियल को देखना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें भक्त और भगवान के बीच का प्यार और उन पर विश्वास करना बहुत पसंद है। नंबर चार, राधा कृष्ण। अब जब मोहसिन खान के फेवरेट सीरियल के बारे में बात हो रही है तो उसमें राधा कृष्ण का नाम कैसे ना आए, जिसे मोहसिन खान देखना काफी पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें भगवान कृष्ण की बाल लीला और रास लीला दोनों ही बहुत पसंद है। नंबर पाँच, महाभारत। इस लिस्ट में शुमार धार्मिक धारावाहिक महाभारत को भी अभिनेता मोहसिन खान देखना काफी पसंद करते हैं, क्योंकि वो महाभारत से ये सब सीखते हैं कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं, जिसे जानने के बाद मनुष्य अपना जीवन सुखमय बना सकता है। नंबर छह, सिया के राम। इस लिस्ट की आखिरी कड़ी में सीरियल सिया के राम का नाम शुमार है, जिसमें राम सिया के बारे में बताया गया है कि कैसे माता सीता अपने पति की सेवा करती थी, तो कैसे राम जी अपनी पत्नी की रक्षा करते थे और एक पति पत्नी को कैसे अपने जीवन में रहना चाहिए, ये सब बताता है। तो इस वजह से इस सीरियल को ये देखना काफी पसंद करते हैं। तो दोस्तों, आप इन सीरियलों में से किस सीरियल को देखना ज्यादा पसंद करते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। और साथ ही छोटे पर्दे से जुड़ी ऐसी ही जबरदस्त कहानियों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।